हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिकाइंड के एम सचेट के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे इस सचेट को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यूरिकाइंड के एम सचेट के बारे में। दोस्तों, यह सचेट जो होता है 5 ग्राम का होता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, यानी इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों आपको हर मेडिकल स्टोर पे, हर फार्मेसी पे आपको 30 रुपये तक आपको एक पैकेट आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि आखिरकार यूरिकाइंड के एम सचेट में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, इस सचेट में पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट पाया जाता है, डी मैनोस पाया जाता है और दोस्तों इसके साथ साथ क्रैनबेरी भी पाया जाता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस सचेट में पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, इस सचेट का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज में करते हैं। अगर आपके पेशाब नली में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, उस कंडीशन में इस सचेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर पेशाब करते समय आपके पेशाब नली में जलन हो रहा है, अगर आपको दर्द होता है, अगर आपके पेशाब नली में चिलकन होती है दोस्तों, इत्यादि कंडीशन में इस सचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको पेशाब करते समय खून आता है, अगर आपको पथरी है, अगर आपको बार बार पेशाब आती है, अगर आपको बार बार पेशाब की बूंदें टपकती हैं दोस्तों, इत्यादि कंडीशन में इस सचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों, अडल्ट में, ठीक है, इस सचेट का इस्तेमाल दिन में एक बार शुद्ध पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में। अगर आप यूरिकाइंड के एम सचेट ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, मसाले वाली चीज़ें आपको कम खाना है, ठीक है। और दोस्तों, प्रेगनेंसी में इस सचेट का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों, इस सचेट का इस्तेमाल बच्चों में नहीं करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, इस सचेट से नोजिया आपका जी मिचला सकता है, ओमिटिंग, आपको उल्टियां हो सकती हैं, ड्राई इन माउथ, आपके मुंह में सूखापन हो सकता है और आपको नींद भी आ सकती है। दोस्तों, अगर ये सारे साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में इस सचेट का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर जाके एक बार सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।